पेट्रोल डीजल के टैक्स में कमी को लेकर के पेट्रोल डीजल विक्रेता संघ के लोग सरकार से मांग कर रहे थे, और इसी मांग को लेकर के आज पेट्रोल पंप को बंद रखने की बात की गई थी। दुमका के पेट्रोल पंप में भी नोटिस चिपकाया गया था देर रात कि आज पेट्रोल पंप बंद रहेगा, लेकिन सुबह का नज़ारा कुछ अलग है। आप देख सकते हैं, हम दुमका के दुभानी जो पेट्रोल पंप में हैं, पेट्रोल पंप खुला है, लोग पेट्रोल भरा रहे हैं। इनका जो सरकार से मांग था डीजल पेट्रोल के टैक्स में कमी किया जाए, पड़ोसी राज्य जो हैं वहाँ पे टैक्स कम लगता है, वहाँ डीजल पेट्रोल सस्ता है, तो बड़े वाहन जो हैं वहाँ जाकर के पेट्रोल डीजल भरा लेते हैं। इनको इससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन कल रात ही झारखंड सरकार ने एक आदेश जारी किया, उनके अनुसार पेट्रोल डीजल जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आता है, और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो भी वस्तु या सामान की सुविधा की बिक्री होती है उसके बिक्री को आप बाधित नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा। इसी को लेकर के एक आदेश पारित किया गया कि आप इसे बंद नहीं कर सकते। उसी का फलाफल यह है कि आज दुमका के पेट्रोल पंप जो है दुमका के पेट्रोल पंप मिल गए हैं। हमारे साथ एक बंधु हैं, कल आपके पेट्रोल पंप पे नोटिस चिपकाया हुआ था कि पेट्रोल पंप बंद रहेगा, तो आज फिर खुला हुआ कैसे है? तो हम लोग को जानकारी नहीं, हम लोग तो कर्मचारी हैं। क्या नोटिस चिपका हुआ था कि नो सेल नो परचेज, और सुबह दो घंटा के लिए बंद हुआ, फिर देखते हैं चालू हो गया। सुबह दो घंटा के लिए बंद हुआ था? हाँ, तो 8:30 बजे चालू। ऐसे कितना बजे चालू हो जाता है? ऐसे 6 बजे से सुबह से होता है। आपने जैसे सुना कि सुबह जो है 6 बजे यहाँ चालू हो जाता है दुल्हानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल की बिक्री, लेकिन जो बिक्री है आज 8 बजे हुआ, 2 घंटा तक इन्होंने बंद रखा। सरकार की नोटिस का जब इन्हें संज्ञान हुआ तो हो सकता है इन्होंने बंद कर दिया हो। पेट्रोल पंप के मालिक अभी यहाँ मौजूद नहीं है, कर्मियों का कहना है वो स्टाफ में जो आदेश आता है उसको पालन करते हैं। पेट्रोल डीजल आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है, जरूरत है सरकार को और संगठन के लोगों को, लोगों को मिल बैठ कर इस पर बात करें, ताकि आम लोगों को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम कपूर। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।